नमस्कार, जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत किस्से हैं जिसको सुनने के बाद दिल जोश से भर आता है और आंखें नम होने लगती हैं, और जिसके बाद मन में एक ख्याल आता है कि जाने वो कैसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को झोंक दिया। और कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि उन्होंने अपनी मोह, अपने ऐशो आराम को त्याग कर राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्रहित के लिए, देश की आजादी के लिए और अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दिए। दोस्तों, उड़ीसा के बाजी रावत ने 12 साल की उम्र में भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति को न्यौछावर कर दिया। और उसी तरफ दूसरी तरफ एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों को धूल चटा दी और भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति, अपने देश के लिए हंसते हंसते दे दिए। आज मैं उसी सुरमा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आपको पता चलेगा कि कोई भी युद्ध या कोई भी बहुत से बड़ी बाधाएं जो है हौसलों से जीता जाता है, उम्र से नहीं। दोस्तों, 1777 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में जन्मे उस महान योद्धा का नाम है बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने जगदीशपुर में जन्म लेकर पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। बचपन में बच्चे खिलौने से और बहुत सारी चीजों से खेलते हैं, लेकिन उन्होंने बचपन में तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, इन सब चीजों में अपना समय व्यतीत किया। और वो मार्शल आर्ट के भी इतने एक्सपर्ट थे जिसकी आपको जितनी बताऊं उतनी कम है। और शायद यही सब रीजन था, यही सब कारण था कि जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों को इतनी बार छक्के छुड़ाए कि उसको भी सारी की सारी औकात दिखाई दी और उसको भी लगा कि भारत की मिट्टी में इतना दम है कि यहाँ पर एक से एक ऐसे जवान हैं जो अंग्रेजों के उतनी बड़ी सेना के लिए काफी है। दोस्तों, आजादी की आवाज जब 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ तब इनकी उम्र 80 वर्ष थी। समझिए, 80 वर्ष में लोग वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आराम करते हैं, लेकिन इनके लिए इनका भगवान, इनका राज्य, इनकी प्रजा और इनका देश था। इन्होंने कुछ लोगों की मदद से ये निर्णय लिया कि अंग्रेजों को अपने जगह से, अपने देश से खदेड़ कर निकालेंगे। और शायद यही कारण था कि उन वीरों के मन में इन्होंने राष्ट्र प्रेम भरा। दोस्तों, राष्ट्र प्रेम एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको इसकी लत लग जाती है ना वो जितना बोलो आपको उतना कम है। जिसको इसकी लत लग जाती है ना, उसकी हर एक आवाज एक क्रांति लेके आती है। और ऐसा ही वीर कुंवर सिंह के साथ भी हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले वीर कुंवर सिंह ने अपने लोगों की मदद से आरा को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, जिससे अंग्रेज इतने बौखला गए कि कुछ दिनों की शांति के बाद उन्होंने वापस वहां पे हमला किया, जिसके कारण बाबू वीर कुंवर सिंह को अपना घरवार छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया और वहां एक नए लोगों का संगठन, एक समूह और एक नए क्रांतिकारियों का टीम बनाया, जिसके बदौलत वो अंग्रेजों से युद्ध करना चाहते थे। दोस्तों, कहा जाता है एकता में बहुत बल होता है, इतना बल होता है कि जिसकी आप गणना नहीं कर सकते हैं। और कुछ राष्ट्र प्रेमी ऐसे होते हैं ना कि जब वो सोच लेते हैं कि अपने देश के लिए कुछ करना है तो वो अपना सारा सुख चैन तक त्याग देते हैं। और ऐसे ही वीर कुंवर सिंह इसी पथ पे आगे बढ़ चले थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने कई भारतीयों को पैसे के लालच देकर अपने में मिला लिया था, जिसके बाद कई भारतीय अंग्रेजों के साथ देने के लिए चले गए थे। लेकिन वीर कुंवर सिंह एक ऐसे कुशल व्यक्तित्व और एक ऐसे कौशलकारी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कौशल के दम पे 7 बार अंग्रेजों को हराया था। उन्होंने सबसे पहले भोजपुर और भोजपुर के बाद कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त किया, जहां पर उनका साथ तात्या टोपे और नाना साहेब ने दिया। और कानपुर के बाद उन्होंने आजमगढ़ को अंग्रेजों से मुक्त करवाया और अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। बोलते हैं ना, अंग्रेजों की आंख में चुभने लगे, ऐसा होने लगा अंग्रेजों को। लेकिन आपको बता दूं एक चीज कि जैसे गीदड़ शेर से डरता है, भागता है, उसी तरह अंग्रेज के सपने में जैसे मानो वीर कुंवर सिंह ही दिखाई देने लगे थे। दोस्तों, आजमगढ़ के युद्ध के बाद 20 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू वीर कुंवर सिंह गाजीपुर के मनोहर गांव पहुंचे, जहां से उन्होंने 22 अप्रैल को अपनी जन्मभूमि जगदीशपुर जाने का निर्णय लिया। और नदी के मार्ग से, गंगा नदी के मार्ग से जब वो जगदीशपुर के लिए रवाना हुए, तभी उनके साथ रास्ते में एक घटना घटी। कहा जाता है, जिस तरह आप लोग सभी लोग जानते हैं,
कि हमारे देश को जितना बाहरी दुश्मनों से नहीं खतरा है, उतना देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों से है। वो गद्दार हमारे आपके बीच में ही रहकर हमारी आपकी सूचना अन्य लोगों को पहुंचाता है। वही चीज सेम वीर कुंवर सिंह के साथ हुआ, और उनके साथ ही रहने वाला किसी गद्दार ने अंग्रेजों को सूचना दे दी। और जब उनकी सेना पार कर रही थी, लगभग सेना पार हो गई थी और अंतिम नाव जो वीर कुंवर सिंह का पार हो रहा था, तभी अंग्रेजों ने आकर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण मुठभेड़ में उनके दाहिने हाथ में गोली लग गई थी। और दाहिने हाथ में गोली लगने के बाद जहर न फैले, इसके लिए उस वीर योद्धा ने उनकी साहस को देखिए कि मैं और अपने राष्ट्र के लिए ज्यादा दिन जीकर काम करूं, इस सोच के साथ उस वीर योद्धा ने अपने हाथों को काट कर माँ गंगा को समर्पित कर दिया। और फिर किसी तरह युद्ध लड़कर जगदीशपुर पहुंचे, जहां पर उनका उपचार होने के बाद कहा गया कि भाई आप युद्ध नहीं कीजिए, अब आपकी स्थिति नहीं है युद्ध करने की। लेकिन उस वीर योद्धा की जितनी बातें कब की जाए उतनी कम है। उन्होंने एक बार अंतिम युद्ध और लड़ा और आरा को और अपने क्षेत्र को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त किया। और कहा जाता है ना कि भाई योद्धाओं के लिए कुछ भी संभव और असंभव वाली चीज नहीं है, होती है, वो जब करने के लिए निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं। और सेम चीज इनके साथ भी हुआ, और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इस वीर योद्धा ने अपने आप को भारत माँ की आंचल में समेट लिया और वीर गति को प्राप्त हुआ। इस वीर योद्धा का नाम इतिहास के अक्षरों में, भारत के इतिहास के अक्षरों में, पूरे विश्व के नजरों में स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ है। दोस्तों, हम लोगों को भी अपने आप को, खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश इस समय बहुत सारी दुविधाओं से चल रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने देश की दुविधाओं को मिटाना होगा। उसके लिए हम सभी को एकत्र होना पड़ेगा और देश की हर बुराइयों के खिलाफ एकत्र होकर लड़ना पड़ेगा, तभी हमारा देश पुनः एक बार नए रूप में निर्माण हो पाएगा। दोस्तों, कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। अगर आप कमजोर सोचोगे तो आप कमजोर बन जाओगे, अगर आप अपने आप को बलशाली समझोगे तो आप बलवान बन जाओगे। इसके लिए निकल पड़ो देश की एक नई आजादी के लिए, देश के एक नए निर्माण के लिए। अरे 100 साल जीने से अच्छा है कुछ दिन ही जियो, लेकिन ऐसा करके जाओ, ऐसा अपना नाम कमा के जाओ, ऐसा नहीं तो ऐसा अपने देश के लिए करो जो कि आपका भी नाम एक अलग ही रूप में लिया जाए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इसी तरह अपना प्यार और व्यवहार दीजिए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दीजिए और एक नए भारत के निर्माण में हमारा सहयोग कीजिए। जय हिंद।